कब मिलोगी? इशा की नमाज के बाद। टेंशन में क्यों? आपकी मुलाकात हुई इस लड़के से? हाँ हुई थी। वैसे तो माकूल लग रहा था, लेकिन लेकिन पता नहीं, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे। मैंने उसे शक नहीं होने दिया कि मैं हूं कौन और किस मकसद से आया हूं, लेकिन फिर भी उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था जो कि मैं समझ नहीं पाया। उसे अगर तुम होती ना वहां पर, तुम समझ जाती। कहती हूँ तुम्हें आस्ताने पे ले आऊं उसको। नहीं नहीं, इस तरह शक होगा उसे। और अब वैसे भी कल वो लोग आ रहे हैं, अम्मी ने सारी तैयारियां कर ली हैं। इतनी जल्दी किस बात की है? मेरी ही गलती है। इरम की खुशी की खातिर मैंने अब्बा से कहा कि इरम की जहाँ मर्जी हो वहाँ उसका रिश्ता कर दें, अब ना जाने क्या होगा। तो तुमने कोई हिसाब लगाया? कोई ख्वाब देखा तुमने? हाँ देखा था, इरम खुश नहीं दिखाई दे रही थी उस ख्वाब में। तो जाके बता दो सबको, रिश्ते के लिए मना कर दो। इतना आसान नहीं है वजदान, इरम का दिल टूट जाएगा। शुमाइला वाले मामले के बाद डर गई हूँ मैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ, जो करना है पहले कर लो, इससे पहले कि देर हो जाए। शुमाइला से ज्यादा हसास मामला ये है। वहाँ शादी थी, यहाँ पसंद की शादी है, बहुत मुश्किल है। आस्थाने पे भी तुम सबको मशवरे देती हो, यहाँ क्यों नहीं? वजदान, अजनबियों को मशवरा देना आसान है, लेकिन अपनों को रोकना टोकना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। अपना ख्याल रखना। कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताना ये था कि मैं शायद आ ना सकूँ आज, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। क्या होता है जान को? तबीयत ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा। अल्लाह शिफा देगा।
आमिर दुआ करना। बिल्कुल करूंगी। फिर भी कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।